हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। गुण्यधान, पुरुषार्थ के प्रतीक, हमारी समस्या का समाधान तुम ही हो और तुम ही इस प्रकार मौन धारण किए खड़े हो। हे बलबुद्धि निधान महाबली हनुमान, 400 कोस के विशाल महासागर के पार सीता माता अधर्मी आतताई रावण के अधीन है। साधन मिल गया है, सिद्धि तुम्हारे हाथ है बजरंगबली। हे अमित तेजस्वी हनुमान, अपने अंदर उमड़ती उमंगों से सागर की उमंगों पर विजय प्राप्त करो। हे तात, अब तुम लंका में जाकर अपने नाम का डंका बजा दो, सीता की सुध ले आओ, अधर्मी और अज्ञानी असुरों को चेतावनी दे आओ। जागो 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 बजरंगबली, जागो हनुमान, जागो जागो बजरंगबली, जागो, अपनी शक्ति को याद करो। एक पिराज नहीं अस काज, न आपसे होए जो आप विचारो, न आपसे होए जो आप विचारो। सात समंदर जान सरोवर लांघो, एक छलांग जो मारो, लांघो एक छलांग जो मारो। लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहु सो जात नटारो, संकट काहु सो जात नटारो। देवन आनी करी बिनती, देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तुम पे हमें अभिमान सुनो, तुम पे हमें अभिमान सुनो, विनती हनुमान हमारी, अपने बल को कछु ध्यान करो। हनुमान महाबलधारी, हनुमान महाबलधारी, बजरंग को कछु ध्यान करो। हनुमान महाबलधारी, अपने बल को कछु ध्यान करो। हनुमान महाबलधारी,
जाप करो तुम निस्तिन राम ही राम उचारो निस्तिन राम ही राम उचारो राम रमे रहो राम सुनो चहो राम को नाम तुम्हें अति प्यारो श्री राम को नाम तुम्हें अति प्यारो राम के सेवक राम दुहाई राम के सेवक राम दुहाई राम पे पत्ती को टारो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो लंका जाओ सिया सुधिलाओ लंका जाओ सिया सुधिलाओ केवल वास सिहारी अपने बल को कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी हनुमान महाबलधारी बजरंग बली उपकारी अपने बल को कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी अपने बल को कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी अद्भुत क्षमतावान हनुमत भरे उड़ान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा राम काज करिबे को आतुर चल दिए चतुर सुजान हनुमत भरे उड़ान ये कैसी बाधा सामने आ गई पाहि माम पवन पुत्र पाहि माम मैं आपके पथ की बाधा नहीं फिर कौन है आप हे महावीर मारुति मैं मैनाक पर्वत हूं पर्वत हां पवन पुत्र पर्वत तुम्हारे पिता पवन देवता ने एक समय मेरी रक्षा की थी इसलिए मैं उनका ऋणी हूं उस उपकार के बदले मैं तुम्हारी कुछ सेवा करना चाहता हूं मुझे समुद्र देवता ने भी यही आज्ञा दी है क्योंकि उन पर श्री राम के पूर्वज महाराज सागर का उपकार है और तुम राम के कार्य से जा रहे हो इसलिए समुद्र देव ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए विश्राम प्रदान करूं सोहे अंजने तुम मेरे शिखर पर कुछ विश्राम कर लो इसलिए मैं समुद्र के गर्भ से प्रकट हुआ हूं हे आदरणीय मैनाक आपका तथा समुद्र देव का बहुत बहुत धन्यवाद परंतु श्री राम के कार्य के लिए जो जा रहा हो उसके लिए विश्राम पाप है इसलिए मैं आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें नहीं विश्राम नींद नहीं भोजन
प्रतिष्ठा उपमाहीन तुम्हारी निष्ठा तीन लोक में राम भक्त कोई नहीं हनुमंत समान हनुमत भरे उड़ान राम भक्त के पंख लगा के हनुमत भरे उड़ान हनुमत भरे उड़ान महाबली कवि महातेज में अद्भुत क्षमतावान हनुमत भरे उड़ान मेरा रास्ता रोकने वाली तुम कौन हो? मैं सुरसा हूँ। क्या चाहती? भोजन। आज देवताओं ने तुम्हें मेरा आहार बनाकर भेजा है, मैं तुम्हें खाकर तृप्त होना चाहती हूँ। परंतु मैं तुम्हारा आहार नहीं हूँ, अपने स्वामी प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूँ। तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। है, मेरा पूर्ण अधिकार है, क्योंकि मैं भूखी हूँ। जो भूखा हो उसका अधिकार सर्वप्रथम माना गया है, यही धर्म है। इसलिए यदि तुमने मेरी भूख ना मिटाई तो वो धर्म विरुद्ध होगा। हाँ, यदि तू चाहे तो अपनी जगह किसी और जीव को मेरा आहार बना दे, जैसा महाराज शिवी ने किया था। इस प्रकार भूखे को भोजन देने का धर्म भी निप जाएगा और तुम्हारे प्राण भी बच जाएंगे। परंतु माता, अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे के प्राण लेना धर्म नहीं पाप है। इससे तो यही अच्छा है कि मैं आपका आहार बन जाऊं। कितनी धर्मयुक्त बात की है तूने। अब आजा मेरे मुंह में। परंतु माता, इस समय मेरा प्रथम धर्म है अपने स्वामी प्रभु श्री राम का कार्य करना, इसलिए पहले लंका जाकर सीता माता की खोज करूंगा, उन्हें ढूंढकर श्री राम प्रभु का संदेश उन्हें पहुंचाऊंगा, फिर सीता माता का समाचार श्री राम प्रभु तक पहुंचाऊंगा। इतना कार्य संपन्न होने के पश्चात मैं स्वयं तुम्हारा आहार बनने के लिए यहां पहुंचाऊंगा। इस बात का मैं तुम्हें वचन देता हूं, इसलिए माता इस समय मुझे जाने दे, विलंब ना कर, मेरा मार्ग छोड़ दे। मैं तेरे इन झूठे वचनों में नहीं आने वाली। मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि जिस मार्ग में मैं खड़ी रहूं वहां कोई भी मुझे लांघकर आगे नहीं जा सकता, इसलिए तुझे मेरे मुंह के अंदर आना ही पड़ेगा। वहां से अगर निकल के जा सकोगे तो देखा जाएगा। अच्छी बात है माता, मुंह खोलो, मैं आता हूं। मैंने ब्रह्मा का वरदान झूठा नहीं होने दिया, तुम्हारे मुंह के अंदर से होकर निकल आया हूं। तुम्हारा शत शत कल्याण हो पुत्र,
मैं वास्तव में नाग माता हूँ। मुझे देवताओं ने तुम्हारे पराक्रम और विवेक की परीक्षा लेने के लिए ही भेजा था। सो तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जाओ वत्स, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। जिसके पास धीरज, सूझ, बुद्धि और पराक्रम, यह चार गुण हो, उसकी सफलता सर्वदा निश्चित है। तुम्हारे द्वारा श्री राम के सारे कार्य सिद्ध होंगे। धन्यवाद। कैसा मायाजाल है? किसने मेरे पराक्रम को पंगु बना दिया है? मेरी तीव्र गति को अवरुद्ध करने वाली ये शक्ति कौन है? सीखा निशाचरी, उड़ते पंछियों की परछाइयों से उन्हें पकड़ कर खाती थी। आज तुझे चबाकर बड़ा मजा आएगा। आज तुझे पेट भर के खाऊंगी, आज मौज उड़ाऊंगी।
अरे कौन है तू जो इस प्रकार बिना पूछे लंका नगरी में घुसा चला जा रहा है? पहले तू बता कि तू कौन है। अरे मच्छर, मैं स्वयं लंका नगरी हूँ, लंका की नगर देवी, इसीलिए लंकिनी नाम है मेरा। लंका की रक्षा करना ही काम है मेरा। तू बोल, मेरी आंखों में धूल झोंक कर इस प्रकार अभेद्य नगरी में घुसने के पीछे क्या भेद है? इस अद्भुत माया नगरी को देखने की लालसा ले आई है। बस तनिक इस पुरी की सैर करके थोड़ी देर में लौट आऊंगा। मैं जाऊं? जाओ, परंतु लंका नगरी में नहीं, सीधे यमपुरी की सैर करने के लिए जाओ। मैं तुम्हें वहीं भेजती हूँ। अरे अरे वारी लंका, तूने तो बजा दिया डंका। हमने तो सोचा था नारी जात से कौन बेबात तकरार करे, परंतु 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 मुष्टिका परंतु जय श्री राम। क्या कीजिए, एक में मैं अजमरी हो गई, दूसरे में ही यमपुरी सिधारूंगी। मैंने आपको पहचान लिया, होनी को जान लिया। क्या जान लिया? जब ब्रह्मा जी ने लंकेश रावण को वरदान दिया था, तभी ब्रह्मा जी ने मुझे भी लंका की रक्षा का भार सौंपा था। जब मैंने पूछा कि मेरी सेवा की अवधि क्या है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तू एक वानर की मार से परास्त होकर बेहाल हो जाए, तो जान लेना कि अब राक्षस राज का असुरों सहित नाश निश्चित है। लंका के विनाश का समय आ गया है। ब्रह्मा की भविष्यवाणी सत्य होती दिखती है। इस विधि के लेख को कोई मिटा नहीं सकेगा। वानर श्रेष्ठ, आप जाइए और स्वेच्छा अनुसार अपना कार्य सिद्ध कीजिए, मनोवांछित फल पाइए। अब मेरी सेवा की अवधि पूर्ण हुई, मैं वापस जा रही हूँ। ब्रह्म देवाय नमः, ब्रह्म देवाय नमः। जय श्री राम। अति लघु रूप धरेउ हनुमान, बैठा नगर सुमिरे भगवान। हाट बाट घर गलियन डोले, भेद लगावे भेद न खोले। कपटी छली दुरात्मा, लंका को जिसने मां सीता हरी, हर लूं उसके प्राण, फिर सोची इस श्रेय के योग्य नहीं। विरहाग्नि में
जलते हुए सुख से कोई जीता नहीं। प्रियतम प्रतीक्षारत हृदय यो शांति रस पीता नहीं। निश्चिंत निद्रा मग्न यह श्री राम परिणीता नहीं। यह सुंदरी कोई और है यह राम की सीता नहीं। यह सुंदरी कोई और है यह राम की सीता नहीं। खोजत सीय को कपि पहुँचे उस धाम। शंख चक्र तुलसी जहाँ निश्चय उस घर राम। राम 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 राम। हे राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जी की। जय श्री राम। आप हे देव, आप कौन हैं? लंका में श्री राम की जय बोलने का साहस करने वाले आप कौन हैं? और इस महल में कैसे आए? आकाश मार्ग से जा रहा था, इस आंगन में तुलसी का चौरा देखकर, प्राचीर में शंख तथा चक्र का चिन्ह देखकर समझ गया कि ये किसी नारायण भक्त का घर है। इसी कौतूहलवश आपके दर्शनों के लिए रुक गया। और अब रहा श्री राम की जयकार का प्रश्न, सो भगवान यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं तो बाहर से आया हूं, कुछ भी कह सकता हूं, परंतु आप तो लंका के निवासी होकर भी श्री राम की जय बोलने का साहस कर सकते हैं। ऐसे साहसी वीर आप कौन हैं? क्या आप राक्षस कुल के नहीं हैं? मैं राक्षस कुल का ही हूं, परंतु श्री राम का भक्त हूं। क्या राक्षस जाति को श्री राम प्रभु की भक्ति का अधिकार नहीं है? उनकी भक्ति का अधिकार तो प्राणी मात्र को है। प्रभु अपने भक्तों में ऊंच नीच जाति पाति का भेद नहीं रखते। उनके निकट तो देव दानव मानव यहां तक कि पशु पक्षियों में भी कोई भेद नहीं है। उनकी भक्ति सबके लिए सुलभ है। मुझे तो केवल इतना ही कौतूहल है कि राक्षस जाति में ऐसा कौन सा वीर है जो श्री राम प्रभु का भक्त है और लंका में रहने का साहस रखता है। इसीलिए आपका परिचय जानना चाहता हूं। मैं महर्षि विश्रवा का पुत्र और महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। जहां तक लंका में रहने का प्रश्न है तो हे महात्मा, मैं उसी प्रकार यहां रहता हूं जैसे दांतों के बीच जीवा रहती है। किंतु इस दुखदायी अवस्था में भी एक ही आशा है
कि एक दिन मुझे श्री राम के दर्शन होंगे और वो मेरा उद्धार करेंगे। बड़े विस्मय की बात है, आपने अभी तक प्रभु श्री राम को देखा नहीं और उनकी भक्ति कर रहे हैं, ये कैसा रहस्य है? ब्राह्मण देवता, हम तीनों भाइयों ने एक साथ कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। जब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा तो बड़े भाइयों ने शक्तियां मांगी और मैंने केवल श्री नारायण की अनन्य भक्ति और उनके दर्शनों का वर मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब श्री नारायण राम रूप में अवतार लेकर लंका आएंगे तब तुम्हें उनके दर्शन होंगे। तब से मैं उनकी प्रतीक्षा में राम नाम का जाप कर रहा हूं। धन्य है आप और धन्य है आपकी भक्ति। अब आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। आपने अभी कहा कि आप बाहर से आए हैं, आप कोई हरिभक्त हैं, कोई देवता हैं अथवा स्वयं श्री राम हैं जो मुझे अपने दिव्य दर्शन देने यहां आए हैं। राम राम राम, आपने मुझे कहां पहुंचा दिया राजन। मैं तो एक अधम से अधम व्यक्ति हूं, एक ऐसे कुल का हूं जिसका प्रातः नाम लेना भी अशुभ माना जाता है। मेरा ये छद्म वेश है, मेरा असली रूप वानर का है। मेरा नाम हनुमान है। प्रभु श्री राम की उदारता देखो, मुझ जैसे सद्बुद्धिहीन व्यक्ति को भी अपना सेवक बना लिया, और सेवक पर तो उनकी विशेष प्रीति रहती है। सो हे विभीषण, प्रभु श्री राम के अनुग्रह पर सदा विश्वास रखना चाहिए, तभी जीव अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रह सकता है। हे हनुमान, आपके इस गूढ़ उपदेश से मेरी भक्ति स्थिर और चित्त शांत हो गया है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मुझे अनाथ जानकर एक दिन प्रभु मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। इस उपकार के लिए मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूं। उठिए राजन, सेवक सेवक को शीश नहीं नवाता, दोनों को अपने स्वामी के ही कार्य में रत रहना चाहिए। अब मेरे आने का प्रयोजन सुनिए। रावण सीता माता को छल से हर लाया है। श्री राम प्रभु की आज्ञा से मैं उनकी खोज में आया हूं। रावण के महलों में चारों ओर ढूंढ चुका हूं, परंतु माता का कहीं पता नहीं चला। यदि आपको उनका कुछ पता हो तो मुझे बताने की कृपा करें। कपिश्रेष्ठ, यह आपने कैसे जान लिया कि माता सीता रावण के राजमहल में आराम से सो रही होंगी? वो देवी तो अशोक वाटिका में अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा करती हुई एक वृक्ष के नीचे एक तपस्विनी की भांति रहती है। चारों ओर से भयानक राक्षसियां उन्हें घेरे रहती हैं। अशोक वाटिका के बाहर बड़े बड़े महाभट राक्षस पहरा देते रहते हैं, इसलिए अंदर जाने से पहले आपको उनसे युद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता होगी, और आप तो अकेले हैं। मैं अकेला भी उनके लिए बहुत हूं, परंतु मेरे विचार में यह उचित नहीं होगा। मैं माता से मिलने से पहले किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता, नहीं तो यह पता लगने पर कि राम का कोई दूत सीता माता से मिलने आया है, वो लोग उन्हें कहीं और छुपा देंगे। फिर कुछ नहीं, मैं अपना रूप अति लघु कर लूंगा और रात के अंधेरे में चुपचाप माता के आसपास पहुंच जाऊंगा। एक बार उन तक प्रभु का संदेश पहुंचाकर उन्हें कुछ सांत्वना दे लूं, फिर मैं अपने दूसरे रूपों में रावण के योद्धाओं की शक्ति का भी परिचय पाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, अब सारा दिन कहीं छुपकर बिताऊंगा और रात्रि के अंधेरे में अशोक वाटिका पहुंच जाऊंगा। जाइए भक्तराज, श्री राम आपकी रक्षा करें। जय श्री राम। जय श्री राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, जब हो सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरुपति मन भावन। न बुझा